हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही टेस्टी टेस्टी दाल मखनी, बहुत ही इजी ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो आज दाल मखनी के लिए हमने लिया है यहाँ पर राजमा और उड़द, साबुत उड़द है और ये राजमा है जो अच्छे से हमारे बॉयल हो गए हैं। तो हमने ये ले लिए हैं, लगभग 1.5 कप मैंने लिया है उड़द साबुत और 1 कप लिया है मैंने राजमा। इनको मैंने सारी रात अच्छे से भिगो लिया है और भीगने के बाद मैंने इनको प्रेशर कुकर में डाल के 3 से 4 सीटी लगा दी हैं और ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो दाल मखनी के लिए ये हमने इतना प्रोसेस कंप्लीट करा। अब हम साइड में रख के इसकी बना लेते हैं ग्रेवी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं कुछ साबुत मसाले और कुछ वेजिटेबल। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज रफली कट ली हैं, कट कर लिए हैं, 4 से 5 बड़े टमाटर वो भी मैंने रफली कट कर लिए हैं, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च ये मैंने रफली कट करी हुए हैं। अब मैंने लिए यहाँ पे 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और ये लिए मैंने 10 से 12 काली मिर्च। साथ में मैं ले लेती हूँ ये हमें थोड़ा सा ही डालना है दालचीनी पाउडर है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा होता, और वैसे आप अगर साबुत हो तो वो ज़्यादा बेटर है, बट कोई बात नहीं, मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है तो हम ग्रेवी में इसे यूज़ करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं और उस पैन में डालेंगे हम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और ऑयल को गर्म कर लेते हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 स्पून हमने ज़ीरा ऐड किया हुआ है इसमें, और अब हम डालेंगे इसमें डाल लेंगे हम साबुत मसाले। जो इलायची थी वो मैंने कूट दी और उसका छिलका हटा दिया है, और साबुत जो दाने हैं वो मैं इलायची के इसमें डाल रही हूँ। साथ में मैं डाल रही हूँ लौंग और काली मिर्च। देन इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, अच्छे से चला लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ऑनियन, अगर आप गार्लिक खाते हैं तो यहाँ पर आप गार्लिक यूज कर सकते हैं, और अगर आप ऑनियन नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है प्याज डालना, आपका चॉइस है, आप खाते हैं तो डालें और ना खाते हैं तो छोड़ देते हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको, हल्का सा कलर चेंज होने तक। अब क्योंकि दालचीनी पाउडर है तो अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें, ये हमने ले लिया है 1/4 स्पून, और अगर साबुत डाल रहे हैं हम तो जब हमने साबुत मसाले ऐड करे थे तभी हम इसमें ऐड करेंगे। अब डालेंगे हम टमाटो, साथ में डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 स्पून डाल रहे हैं इसमें। अब डाल रहे हैं हम इसमें रेड चिली पाउडर 1/2 स्पून डाली है मैंने, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें 1/4 स्पून हींग, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक। और अब हम इसको ढक के छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर, 4-5 मिनट के लिए अच्छे से कुक हो जाएंगे, हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो अगर हम इनको ऐसे ही ढक के छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से कुक हो गए हैं, और अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इनका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो पहले हमने अपने वो जो टमाटो पकाए थे उसको अच्छे से ठंडा करके तब पेस्ट बनाया है, ठंडा करके ही आप पेस्ट बनाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पैन या कढ़ाई या कुछ भी बर्तन ले लें, उसमें ऑयल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे हम जीरा, 1/2 स्पून डाल रही हूँ मैं, फ्राई होने देते हैं। फ्राई हो गया है, अब डालेंगे हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे, हींग का तो तड़का वैसे भी अच्छा लगता है। और अब हम डालेंगे इसमें कस्तूरी
मेथी, लेकिन वो बाद में डालेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें ये गैस की जो फ्लेम है, पहले हम उसको कम कर लेंगे, क्योंकि जो मसाले डालेंगे वो एकदम हमारे क्या होंगे, वो जल जाएंगे अगर हमारी आग तेज होगी तो। हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है और अब हम डालेंगे ग्रेवी जो बनाई हुई है। सारी ग्रेवी मैंने इसमें उलट ली। अब डालेंगे हम इसमें कस्तूरी मेथी ली हुई है मैंने, उसको हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे 1 स्पून क्रश कर लेंगे और ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छे से इसको कुक करेंगे जब तक हमारा ऑयल अच्छे से ये ग्रेवी ना छोड़ दे। 2-3 मिनट में ही, क्योंकि हमने ऑलरेडी भी कुक की हुई है तो 2-3 मिनट में ही ये ऑयल छोड़ देगी। तो इस तरीके से हम इसे कुक करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इसी में ही ऐड करेंगे हम गरम मसाला। 1/2 स्पून डाल लें हम, मेरी स्मॉल स्पून है उसमें 1 स्पून डाल रही हूँ, वैसे 1/2 स्पून डालनी है। नमक हमने इसमें भी डाला है, और जब हम उड़द और राजमा दोनों को मिक्स करके उसको बॉईल कर रहे थे तो हमने तब भी नमक डाला था, तो हमें नमक की नीड नहीं है। और अगर आप कम लगे तो आप डाल सकते हैं फिर भी। तो अभी हम इसे चलाते हुए कुक होने देते हैं। तो देख रहे हैं आप, हल्का हल्का ऑयल आने लगा, ये हमारा अच्छे से कुक हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तो आप डायरेक्ट सारी ही मिक्स करके तब आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे, या फिर आप इसमें ऐड करके तब उसमें क्रीम ऐड कर लेंगे, तो मैं इसमें ही क्रीम ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम 4 से 5 स्पून डालेंगे क्रीम, और मेन पॉइंट कि हम जब क्रीम डालेंगे तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कुक होने के लिए, हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारी क्रीम जो है वो फट जाएगी। और अगर आप क्रीम ना यूज करें या आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह डायरेक्ट मलाई को भी फिट कर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमूल की क्रीम ली है, और ये हम इसको थोड़ा सा बॉयल आने तक चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो फटे ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कुछ ही सेकंड्स में इसमें बॉयल आने लगे हैं, और हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो मैंने दूसरे कुकर में ये डाल दिया था अपना उड़द राजमा, थोड़ा मुझे पानी कम लगा तो मैंने इसमें 1/2 ग्लास और पानी ऐड कर दिया था। और अब हम क्या करेंगे इसमें ये वाली ग्रेवी ऐड कर देते हैं, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमारी दाल मखनी बिल्कुल बनकर परफेक्ट रेडी हो गई है। कंसिस्टेंसी आप देख लें कि आपको कितनी थिक करनी है या कितनी पतली करनी है। तो इस तरीके से मेरी तो परफेक्ट दाल बनकर रेडी हो गई है, मखनी दाल। तो अब हम इसको बाउल में डाल लेते हैं। एक साथ सारी तो हम सर्व नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी सर्व करेंगे, तो हम सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। फिलहाल मैंने बाउल में डाल लिया है। अब हम क्रीम ले लेते हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी क्रीम हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरीके से, और लास्ट में डालेंगे हम इसमें धनिया पत्ती। तो अब हम इसको सर्व करेंगे नान से। तो ये मैंने नान से दाल मखनी सर्व की है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। और हाँ, अगर आपको नान की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देखकर नान भी इसके साथ रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है बनाना है, बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। जब हम दाल और राजमा दोनों को सारी रात, पहले तो हम इसको भिगोना है, कम से कम 7 से 8 घंटे हम इसको भिगोना है, देन हम इसको बॉईल करेंगे 4-5 सीटी के साथ। आप चेक कर लें बीच में कि ये कच्ची तो नहीं रही है। दूसरा, इसमें हम साथ में ही नमक ऐड कर देंगे। और जब सबसे मेन पॉइंट कि जब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो हम उसको जब पीसेंगे टमाटो को, तो वो थोड़ा ठंडा करके पीसे, क्योंकि मिक्सी में से ज़्यादातर छींटे आ जाती हैं, वो जलने का खतरा। और मेन पॉइंट कि जब हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं तो क्रीम चाहे आप ग्रेवी में मिक्स करके डाल दें, डालना उसी के अंदर है, चाहे डायरेक्ट दाल में डाल दें, लेकिन डालते हुए जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए तब तक आप उसको कंटिन्यू चलाते रहें, वरना जो हमारी क्रीम है वो फट जाएगी। ये विशेषकर आप इसको ध्यान में रखते हुए बनाएं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो को कम्प्लीटली देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।